अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, खुश होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगी। तो मेरी पिछली वीडियो टीनएजर पिंपल्स पर थी, जहां मैंने वादा किया था कि आपके साथ एक टीनएज स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी आपसे। तो टीनएजर्स एंजल्स, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, एक भी पार्ट को स्किप नहीं करें। तो चलिए देखते हैं कि रूटीन क्या है। सबसे पहले हमें सुबह उठकर और रात में सोने से पहले अपने चेहरे को दो बार अच्छे से किसी फेस वॉश से वॉश करना है। अगर आप अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन नहीं करोगे तो उस पर डर्ट और पोल्यूशन रह जाएगा। उसके लिए आपको कोई अच्छा केमिकल फ्री फेस वॉश यूज करना है। फिर बारी आ जाती है किसकी? टोनिंग की। जब आप अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लेंगे तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, उनको बंद करने के लिए, उनको श्रिंक करने के लिए, ताकि उनमें पिंपल्स, डर्ट वगैरह और जम्स ना पनपे, उसके लिए हमें पोर्स को बंद करना होता है। उसके लिए हमें चाहिए होता है टोनर, लेकिन मैं टोनर से ज्यादा आपको सजेस्ट करूंगी रोज वाटर। आप दोनों में से जो चाहें ले सकते हैं। एस्ट्रोजन भी आता है, वो होता है ऑयली स्किन के लिए, और गुलाब जल सबसे बेस्ट है, एक अच्छे टोनर का काम करता है ये, तो आप इसको लें, ठीक है। फिर आता है टोनिंग के बाद आता है प्रोसेस मॉइस्चराइजिंग के लिए। क्योंकि अभी आप टीनेज में हैं तो मैं चाहती हूं कि आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट ना यूज करें, और मॉइस्चराइजिंग के लिए अगर कोई हर्बल क्रीम लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ग्लिसरीन अपने चेहरे पर अप्लाई करें गुलाब जल के साथ या नींबू के साथ मिला करके। इस पर भी मैं आपको एक अच्छी वीडियो शेयर करूंगी ताकि आपको ज्यादा कहीं भागना नहीं पड़े, ठीक है। फिर इसके बाद एक प्रोसेस है, ये आपकी हो गई स्किन की सफाई अच्छे से, आपकी पैम्पर होगी स्किन। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, अपनी चेहरे को स्क्रबिंग भी हफ्तों में दो बार करनी है किसी भी अच्छे स्क्रबर के साथ। मेरे पास अभी फिलहाल ये लोटस का स्क्रबर है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आपके पास जो भी स्क्रबर अवेलेबल हो वो आप यूज कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास ये नहीं है, या आप ये नहीं खरीदना चाहते हो, या घर का आप यूज करना चाहते हो, तो आटे की जो चोकर निकलती है जिसको छान कर निकाला जाता है, वो अपनी मम्मी से आप ले लीजिए, उससे आप बेस्ट स्क्रबिंग कर सकते हो, ठीक है। इन सब प्रोसेस के बाद आपको डेली बेसिस पर 2 टाइम्स या 3-3 घंटे पर एक अच्छा सनब्लॉक या एक अच्छा सनस्क्रीन अपने चेहरे पर लगाना है। मैं सबसे अच्छा अगर अपनी नजर में मानती हूं तो ये लोटस का सनस्क्रीन, इसको मैं आप तक चाहूंगी कि टीनेज जो है वो अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करें, क्योंकि ये एक जो है मैट जेल की तरह होता है, ये ऑयल को भी निकलने नहीं देता है। ऑयली स्किन के लिए ये बेस्ट सनस्क्रीन है। तो ये आपको अमेजोन पर या मार्केट में अच्छे से आसानी से मिल जाएगा, और ये टीनेजर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्थी प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपको मैं रिकमेंड करूंगी, अच्छा सनस्क्रीन का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सन से आपको जो है एलर्जी भी हो सकती है, दाने भी निकल सकते हैं, आपकी स्किन पर टैन भी हो सकता है, ये सारी चीजें इससे बचाता है। मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो आपको शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और आपको जो मैंने पिछली बार फेस पैक बताया था, पिछली बार वो जो पिंपल्स वाला बताया था, कुछ इस तरह से यही फेस पैक था। ये आपको हफ्ते में 3 बार कम से कम इस्तेमाल करना है, ये नीम फेस पैक। आप जाकर मेरी पिछली वीडियो पर जरूर देख लें। और फिर उसके बाद आपको जो चीज पूरा दिन इस्तेमाल करना है और जो फ्री है, वो सबसे कीमती चीज आपकी है पानी। आप जितना चाहें पानी पीते जाएं, और इसकी आपको एक बॉटल रखनी है अपने पास, वो करीब रात के 8 बजे तक हर हालत में वो बॉटल सुबह से रात तक में खत्म हो जानी चाहिए। अगर आपको अपनी स्किन ग्लॉसी बनानी है, पिंपल्स फ्री बनानी है, सारी प्रॉब्लम से दूर रखना है अपनी स्किन को, ठीक है। और आपको अच्छे फल, अच्छे डाइट लेने हैं, तली भुंजी चीजें जैसे कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, ये सब अगर आपको खाना ही है तो कम क्वांटिटी में खाएं। देखिए टीनेज ऐसी होती है जिनमें मैं मना नहीं कर सकती हूँ कि आप नहीं खाएं, लेकिन आप खाइए थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि आप जो भी खाओगे आपकी बॉडी को वो जाकर लगेगा, आपकी स्किन पर वही चीज दिखेगी। अपने स्किन का अच्छे से ख्याल रखें,
और सारी चीजों को अवॉइड करें, कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज ना करें, और यूज अगर आपको बहुत करना ही है तो अपने बड़ों से सलाह लें और उसको अच्छे तरह से उसका सारी चीज पीछे जो दिया जाता है इंस्ट्रक्शन वगैरह वो सब पढ़कर यूज करें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपनी स्किन पर मेकअप को जितना कम हो कम यूज करें, जब कहीं जाना हो अदरवाइज तभी यूज करें। और रात में सोने से पहले मेकअप को आप इस प्रोडक्ट से या किसी भी प्रोडक्ट से उतार के सोएं। ये प्रोडक्ट आपको आपकी स्किन से मैल डर्ट सब कुछ साफ कर देगा। फेस वॉश के बाद इससे अपनी स्किन को अच्छे से साफ करें और फिर क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग जो मैंने शुरुआत में बताया है उसको अप्लाई करें। इन सारी रूटीन्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपकी स्किन की, पिंपल्स, एक्ने, स्कार्स, कोई भी स्किन प्रॉब्लम का इश्यू नहीं होने वाला है। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। मुझे इजाजत दें और दुआ में याद रखें, ये सारी टीनेजर्स के लिए है एक गिफ्ट, तो प्लीज अप्लाई करें और अपना ख्याल रखें। तो चलें, अल्लाह हाफिज। शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।